हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 का रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। तो मैं इसको कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 यानी कि जर्नल फार्माकोलॉजी, है ना, यानी कि जर्नल फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 जिसने पढ़ लिया है, ठीक है ना, उसमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को हमने क्या किया है, डिस्कस कर रखा, वही चीज यहां पर है, ठीक है ना। तो उसी लेक्चर को मैं यहां पर क्या करूंगा, उसी पार्ट को, उसको मैंने यहां पर लगा दिया है, तो आगे हमको कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, उतना सफिशियंट है, उतना ही हमारे कोर्स में आने वाला है। तो आओ देखते हैं हम लोग रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रम भी बोल देते हैं, ठीक है ना, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। फार्माकोथेरेपेटिक इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो फार्माकोलॉजी जो हमने करी, ठीक है ना, फार्माकोलॉजिकल, जो फार्माकोलॉजी समझ रहे हो ना, उस इंफॉर्मेशन को, ड्रग की फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज। हमारे बारे में जो डिजीज को लेकर जो इंफॉर्मेशन है, कौन करता है डिजीज, कैसे फैलाता है, बॉडी में कैसे क्या कर देता है जिससे डिजीज हो जाती है, दवाई की इंफॉर्मेशन, डिजीज की इंफॉर्मेशन, इन दोनों को मिक्स करेंगे जिससे कि उसको हम डिजीज को रोक पाए, खत्म कर पाए, ठीक कर पाए। मिटिगेशन मतलब उसको खत्म कर देना, मिटा देना, मिटा दो बीमारी को, मिटा दो, ठीक है। अब इसमें, इस हेडिंग के अंदर हमें कुछ बातें पढ़नी है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन और इरैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शेड्यूल वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन आता वहां से, ठीक है, एक ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनल यू, रैशनल मतलब तार्किक, रैशनल होता है तार्किक। आप कोई दवा, मान लो कोई दवा ले रहे हैं, हल्का बुखार आया, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने क्या करी, मेडिसिन दे दी, ठीक है, मान लो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं, अच्छा ये है कि उठा करके डॉक्टर क्या करते हैं, लिख दिया ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, है ना, वो भी खा लो। आजकल देखा होगा कई जगह ट्रेंड सा है करके एक साथ 8-10 दवाइयां लिख दी जाती हैं, तो वो इरैशनल हो गया। तो रैशनल हो गया तार्किक, इरैशनल हो गया अतार्किक, लॉजिकल, लॉजिक वाली चीजें रैशनल, इलॉजिकल वाली इरैशनल। तो हमको दवाइयां कुछ ऐसे देनी है, मतलब सीधा सीधा मुद्दा यहां पर ये होने वाला है, दवाइयां कम से कम दी जाएं, सस्ती हो दवाइयां, इफेक्टिव हो दवाइयां, ठीक है ना, ये सब चीजें देखते हुए जब पेशेंट को ठीक किया जाता है तो रैशनल हो जाता है, ये सब चीजें ना देखें और वैसी दवाइयां दे दें पेशेंट को तो वो इरैशनल हो जाता है। तो आओ देखते हैं जरा, WHO द्वारा 1985 में रैशनल की डेफिनेशन दी गई रैशनल यूज की, वो क्या थी, तो कह रहा है व्हेन पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस, जब पेशेंट रिसीव करता है या दवाइयां लेता है, मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड्स, उसकी जो क्लिनिकल नीड्स है, उसको जो बीमारी है उसके हिसाब से, एप्रोप्रिएट इन डोजेस दैट मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, और उसकी उसको जो खुद है, जैसे मान लो बच्चा है उसकी डोज अलग होगी, बूढ़े की डोज अलग होती है, उसके खुद के हिसाब से जो डोज हो वो एप्रोप्रिएट हो, फॉर एन एडिक्वेट पीरियड, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, एक पर्याप्त समय के लिए, है ना, नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है कम से कम 3 दिन तो खानी पड़ेगी, कोर्स रहता है, ठीक है, तो एप्रोप्रिएट पीरियड या एडिक्वेट पीरियड एट द लोएस्ट कॉस्ट टू देम। अब दो मेडिसिन अवेलेबल है, मार्केट में जाओ सेम मेडिसिन, एक 100 रुपए की, वही मेडिसिन एक 50 रुपए की है, है ना, तो एट लोएस्ट कॉस्ट टू देम एंड देयर कम्युनिटी, और उसी कम्युनिटी के लिए, जब कोई पेशेंट दवाई ले रहा है अप्रोप्रिएट क्लिनिकल नीड के हिसाब से, क्लिनिकल डोज के हिसाब से, पर्याप्त समय के लिए और लो प्राइस पर, तो ऐसे ही मेडिकेशन को, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को हमने क्या कहा गया है, रैशनल कह दिया है, क्या कह दिया है, रैशनल। इनसे चीजें अगर हटके होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, इरैशनल हो जाएंगी। तो आओ देखें जरा, इरैशनल और नॉन रैशनल यूज इज द यूज ऑफ मेडिसिन इन द वे दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रैशनल यूज, जो इसके हिसाब से नहीं होंगी वो सबकी सब इरैशनल हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इरैशनल यूज ऑफ मेडिसिन लीड्स टू ओके, कह रहा है इरैशनल यूज ऑफ मेडिसिन अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा, इन इफेक्टिव एंड अनसेफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारा उतना असरदार नहीं रहेगा, मान लो है कुछ और दवाई किसी और चीज की चल रही है और ट्रीटमेंट हमारा अनसेफ हो जाएगा, डर है ना कुछ और बीमारी ना हो जाए कहीं, एग्जैसबरेशन प्रचंड, कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाना
और लंबी हो जाएगी। बीमारी जो हमारी शायद थोड़ी सी थी और शायद 4-5 दिनों में 10 दिनों में ठीक हो सकती थी, अब वो बीमारी प्रचंड हो गई है, उसका तीव्रता बढ़ गई है, वो बीमारी और बढ़ गई एक तरह से, और अब वो लंबी हो गई है, जो 10 दिन में ठीक होनी थी अब वो चल रही है महीने भर तक। हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार आपको एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। डिस्ट्रेस एंड हार्म टू द पेशेंट, है ना, पेशेंट क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और पेशेंट को नुकसान होगा। हायर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अब जो 10 दिन में ठीक हो जाता है महीने भर जब इलाज चलेगा हॉस्पिटल पहुंच गया तो कॉस्ट भी उसकी बढ़ गई। तो समझ रहे हो ये चीजें क्या है, ये इरेशनल, इरेशनल अगर दवाइयां दी जाती हैं तो पेशेंट के साथ ये सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर है, आओ आगे देखें हम लोग। नाउ अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है वाइड वैरायटी ऑफ इरेशनल ड्रग यूजेस डेट अराइज फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय डॉक्टर्स आर एज फॉलोज। इरेशनल ड्रग यूज जो पैदा होता है, क्यों पैदा हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस, जो डॉक्टर्स लोगों की आजकल प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस है ना, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोगों का लालच हो जाता है उसमें, ठीक है, उन लोगों का जो प्रिस्क्रिप्शन देने का तरीका है, आजकल देखा होगा एक दवाई तो मतलब 4-5 मल्टीविटामिन झोंक दे रहे हैं साथ में, है ना, मल्टीविटामिन दे ही देते हैं ज्यादातर लोग, जरूरत नहीं है, दे दो मल्टीविटामिन, क्यों, वो मल्टीविटामिन की स्ट्रिप आती है 10 रुपए की मार्केट में, एमआरपी होती है 100 रुपए की। तो कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिस अपनाते हैं कि जरूरत नहीं है दे रहे हैं। तो इरेशनल का जो मेन कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन की वजह से जो डॉक्टर अपना रहे हैं वो क्या क्या है, क्या क्या होता है, आओ देखें। तो यूज ऑफ टू मैनी मेडिसिन, एक साथ कई दवाइयां चला दी, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, प्रिस्क्राइब पर पेशेंट, है ना, तो इसे हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी, याद रखना वर्ड को। किसी एक पेशेंट को एक बीमारी थी और कई सारी दवाइयां दे दी कि इससे नहीं तो इससे ठीक होगा, इससे नहीं तो इससे ठीक हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी। ऑफन दीज रिजल्ट इन क्रॉस रिएक्शन, इसकी वजह से अक्सर होता क्या है, क्रॉस रिएक्शन, दवाइयां आपस में रिएक्ट कर जाती हैं बिटवीन द डिफरेंट ड्रग्स प्रिस्क्राइब, जो ड्रग प्रिस्क्राइब किए गए उनके बीच में आपस में कई बार रिएक्शन हो जाता है। आगे आते हैं, इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, अगर एंटी माइक्रोबियल्स का इन अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन होता है, ऑफन इन इनएडिक्वेट डोज, ठीक है, क्या कह रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक बीमारी थी उसको दवाई कुछ और देनी चाहिए थी लेकिन दे कुछ और दिया, यानी कि एंटीबायोटिक कुछ और देनी चाहिए थी कुछ और दे दी है। ऑफन इन इनएडिक्वेट डोजेस, दिन में 3 बार चलनी चाहिए थी या 2 बार चलनी चाहिए थी, डॉक्टर ने कहा कि नहीं एक ही बार खाओ। फॉर नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कई बार ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि कह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं भी है तब भी एंटी माइक्रोबियल दवा दी जा रही है, ठीक है। आगे आते हैं, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंजेक्शन व्हेन ओरल फॉर्मुलेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, गोली खाकर ठीक हो सकते हैं, ये ज्यादातर गांव देहात में होता है, इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, डॉक्टर्स क्या वहां पे तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं होते, जो झोला छाप टाइप के लोग रहते हैं वो लोग, क्या है कि गांव में एक मेंटेलिटी भी बन गई है लोगों के कि नहीं भैया इंजेक्शन लगा दो, ठीक है ना, जहां हम ओरल टैबलेट खा के काम चला सकते हैं वहां पे क्या है जबरदस्ती इंजेक्शन दिया जा रहा है। फेलियर टू प्रिस्क्राइब इन अकॉर्डिंग विद द क्लिनिकल गाइडलाइन, जो क्लिनिकल में गाइडलाइंस हैं कि इस मेडिसिन को ऐसे ऐसे दी जानी है, इसको ऐसे ऐसे दी जानी है, उसके हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं। रॉन्ग चॉइस ऑफ ड्रग, ड्रग की चॉइस तुम्हारी सही नहीं थी, ठीक है, इन एडिक्वेट डोजेस, डोजेस जितनी होनी चाहिए थी पर्याप्त उतनी डोजेस नहीं थी। इनकरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इनकरेक्ट फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए थी, दिन में 3 बार, 2 बार दे दी, 1 बार दे दी, है ना। इम्प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, चलनी चाहिए थी 10 दिन, जैसे कि टाइफाइड एक नॉर्मल बीमारी है, टाइफाइड में क्या होता है नॉर्मल 15 से 21 दिन दवा चलती है, ठीक है ना, तो वो टाइम ड्यूरेशन अगर गड़बड़ कर दिया। और फेलियर टू ऑब्जर्व ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन, दवाइयां खा रहा है और अचानक से कुछ दिक्कत और उसे स्टार्ट हो रही है, पेशेंट बता रहा है कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर समझ रहा है शायद किसी और वजह से हो रही होंगी लेकिन वो दवाइयों की वजह से स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है इरेशनल की, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन करने की वजह से क्या क्या वाइड वैरायटी ऑफ इरेशनल ड्रग यूजेस, इरेशनल ड्रग यूजेस जो अराइज हो रहे हैं क्या है, अडॉप्टेड बाय द डॉक्टर्स एज फॉलो, डॉक्टर्स की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। चॉइस ऑफ मोर एक्सपेंसिव ड्रग, है ना, महंगी दवाइयां दी जा रही हैं व्हेन लेस एक्सपेंसिव ड्रग वुड बी इक्वली और मोर इफेक्टिव, लेस एक्सपेंसिव ड्रग उतनी ही इफेक्टिव है, हो सकती है लेकिन उसके बावजूद महंगी दवाइयां दी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, ये सब इरेशनल तरीके हो गए, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग विच हैव नो यूज, ऐसी ड्रग दी जा रही है जिसका कोई यूज नहीं है, मैंने बताया अभी मल्टीविटामिन का यूज नहीं है, दे दिया गया साथ में, ठीक है, ओनली फॉर देयर, क्यों दी जा रही है, प्लेसेबो इफेक्ट और फॉर इंप्रेसिंग द पेशेंट, कई बार क्या होता है अच्छा हम ये दवा दे दे बड़ी बड़ी गोली, डॉक्टर पेशेंट को लग रहा है कि हम ठीक होंगे इससे, या फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड मतलब यहां पर आ गया अपना खुद का इंटरेस्ट है उसे, है ना, मैंने क्या बताया मल्टीविटामिन गोली या सिरप दिया जाएगा, आता सस्ता है होता महंगा है,
या किसी कंपनी ने कह दिया भैया हमारे इतने निकाल दो ये तो हम आपको ये दे देंगे, तो खुद का इंटरेस्ट होता है कई बार इन प्रिस्क्राइब ड्रग। ठीक है, इनएडिक्वेट कंसल्टिंग टाइम। अब कई बार होता क्या है, डॉक्टर्स कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो डॉक्टर बड़े आराम से बैठाते हैं, आराम से बात करेंगे, हर एक चीज बताते हैं, कुछ लोग हाँ हो गया ठीक है जाओ लिख दिया बाहर बदलना, मतलब इनएडिक्वेट काउंसलिंग टाइम, कंसल्टिंग टाइम, कंसल्ट का टाइम प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, एंड डिस्पेंसिंग टाइम। ठीक है, अलॉन्ग विद पुअर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स टू पेशेंट इन अ वर्बल और रिटन फॉर्म। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां गया डॉक्टर ने कहा बाहर पूछ लेना, मेडिकल स्टोर पे गया, उसने कहा ऐसे ऐसे खा लेना। अब एक मान लो पढ़ा लिखा इंसान तो समझ जाता है, लेकिन जो थोड़ा सा अनपढ़ है गांव का थोड़ा सा घबरा जाता है, चार पांच तरह की मेडिसिन देखता है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो समझ नहीं पाया कि कौन सी मेडिसिन कितनी बार लेनी थी, कुछ गड़बड़ कर गया। ठीक है ना, इनकरेक्ट यूज बाय पेशेंट। अब उसको पेशेंट क्या है, दो टाइम खाना चाहिए, तीन टाइम खा रहा है, तीन टाइम वाली को दो टाइम खा रहा है, सुबह वाली को शाम में खा रहा है। इज ऑफ ग्रेट पब्लिक हेल्थ कंसर्न टू। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दवाइयों को प्रॉपर नहीं समझ पाता पेशेंट, कब कब कैसे कैसे लेनी है। क्लियर है बात। वर्ल्ड वाइड मोर देन 50% ऑफ ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड डिस्पेंस्ड और सोल्ड इन अप्रोप्रिएटली। पूरी दुनिया में लगभग 50% मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं, बेची जाती हैं, जो कि सही नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है, वाइल 50% ऑफ द पेशेंट फेल टू टेक देम करेक्टली, और 50% पेशेंट उसको सही तरीके से ले ही नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही है, कितनी बड़ी विडंबना है ये। इन अप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। ठीक है ना, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं आजकल, ये भी एक इरेशनल तरीका है। गए मेडिकल स्टोर पे, बोल दिया ये दे दो हमें, ले लिया दवा, जबकि उस दवा को हमें डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, तो हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके थे किस चीज के, इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। अब इसका असर क्या होगा, जाहिर सी बात है असर इसका खतरनाक होगा। ठीक है, क्या असर होता है आओ देखते हैं। इंपैक्ट ऑफ इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट लीडिंग टू सीरियस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। मृत्यु दर बढ़ सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है, पता है किसी को मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्बिडिटी क्या होती है ना, तो क्या कह रहा है, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट लीडिंग टू सीरियस मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब रोगों की संख्या बढ़ जाएगी, एक बीमारी थी कुछ और बीमारियां लग गई, और मॉर्टेलिटी मृत्यु दर बढ़ जाएगी, लोगों के मरने की संख्या बढ़ जाएगी। लेट्रोजेनिक डिजीज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेट्रोजेनिक डिजीज क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज अ डिजीज इंड्यूस्ड बाय ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन और आफ्टर मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो थी नहीं, दवा खाने की वजह से हो गई, या सर्जरी होने के बाद हो गई, या हमारे पास कुछ सर्जिकल प्रोसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ हमारा, और उस ट्रीटमेंट के बाद हमको कोई बीमारी हो जाए, उसको कहते हैं लेट्रोजेनिक डिजीज। क्लियर है, आगे इन अप्रोप्रिएट यूज एंड ओवर यूज ऑफ मेडिसिन लीडिंग टू हाई आउट ऑफ पॉकेट। अगर सही तरीके से दवा नहीं लोगे या ओवर यूज करोगे तो हाई आउट ऑफ पॉकेट, जेब पे भारी पड़ता है ये, हाई आउट ऑफ पॉकेट। देखो सेंटेंस है, इंग्लिश का लिखना पड़ेगा, है ना, जो लोग हिंदी वाले वो लिख ले, जेब पे भारी पड़ता है ये। ठीक है, किसके जेब से भुगतान होता है, बाय पेशेंट। दिस रिजल्ट इन पेशेंट हार्म इन टर्म्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इम्पॉवरिशमेंट। दो चीजें हुई, जेब पे भुगतान पड़ रहा है, ठीक है, प्लस कई सारी दवाइयां दी जा रही हैं, तो उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, साथ साथ में दरिद्रता ऑफ पेशेंट। दरिद्रता होता है बेचारे के ऊपर, गरीब है और दरिद्रता आ जाएगी, खाने को पैसा नहीं मिलेगा, बीमारी में लग रहा है, उधारी कर रहा है ना, तो वो सब मिल करके एक वर्ड बनता है हिंदी का, क्या, दरिद्रता। ठीक है, तो ये चीज थी। आगे आते हैं, इन अप्रोप्रिएट यूज एंड ओवर यूज इन द पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी। अब हो क्या रहा है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है हम लोगों को, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे हर एक स्टेट में है जो अपने सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर है क्या, इनअप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। कैसे, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वहां पर जो फैसिलिटी है, वेयर द गवर्नमेंट पेज द बिल, जहां गवर्नमेंट बिल को पे करती है, लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मीगर रिसोर्सेज, जो संसाधन अल्पसंख्या है, अब उसका यूज क्या हो रहा है, इंपैक्ट ऑफ इरेशनल, जो चीज कम थी उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए था, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, एंड शिफ्ट ऑफ फंड्स अवे फ्रॉम नेसेसरी, जहां फंड देना चाहिए था वहां दे करके अननेसेसरी एरिया में फंड खिसका दिया सारा, जो चीजें है ना, जहां जरूरत थी वहां फंड आना चाहिए था, वो फंड कहीं और खिसक के चला गया। तो ये क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट आ रहा है कि भाई ये दवाइयां ज्यादा जरूरी थी लेकिन ये दवाइयां कम जरूरी थी, तो
तो जो ज्यादा जरूरी है वहां ना जाकर कम जरूरी वाले पे खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीजें कई बार हो जाती हैं। इंक्रीजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अब बेवजह और खुद से मेडिसिन खाओगे पूरा कोर्स नहीं करोगे तो बॉडी में क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, दवाई खाने से भी दवाई असर नहीं करेगी। ओके अब क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर कुछ बातें हैं, वो क्या कह रहा है, इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अगर हम एंटी माइक्रोबियल का यूज सही तरीके से नहीं करेंगे तो होगा ये कि हल्की हल्की छोटी मोटी मेडिसिन हमारी बॉडी पर असर करना खत्म हो जाएंगी, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ग्लोबली, पूरी दुनिया में आज के टाइम पे सबसे बड़ा ये समस्या है, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। इसकी वजह से क्या हो गया, बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है, ऑब्वियसली बात है तुमको बीमारी हो गई और वो बैक्टीरिया दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट है, डॉक्टर क्या करते हैं शुरुआत में तो हल्की दवाइयां देते हैं, उससे ठीक ही नहीं हुआ, फिर गए डॉक्टर साहब आराम नहीं पड़ा, फिर डॉक्टर साहब ने कोई दूसरी दवा दी, फिर गए फिर आराम नहीं पड़ा, तो तुम लोग कहते हो यार डॉक्टर बढ़िया नहीं है। अब भाई वो तो अपने कोर्स के हिसाब से चलेगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, तो बीमारी बढ़ रही है, बीमारी प्रोलॉन्ग हो जा रही है, इलनेस है ना लंबी हो जा रही है। एंड हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार फिर आखिरकार होता है कि बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है। मॉर्टेलिटी एंड हायर कॉस्ट, मृत्यु दर बढ़ जाती है और कॉस्ट भी फिर जाहिर सी बात है बढ़ जाती है हर एक चीज की, है ना, दवाइयां वगैरह की, बात समझ में आ रही है। आगे आते हैं, यूज ऑफ ड्रग अदर देन फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना, होता क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग हमको पता है ना क्या होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग की देखो डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, अ ड्रग दैट इज द फर्स्ट चॉइस, ये पहले भी समझा चुके हैं फर्स्ट उसमें ईयर में, अ ड्रग दैट इज द फर्स्ट चॉइस फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर कंडीशन, कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए एक ड्रग सबसे अच्छी मानी जाती है, उसको फर्स्ट लाइन ड्रग कहा जाता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन विद द लीस्ट लाइकलीहुड कॉजिंग द साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट नहीं है और वो जल्दी उसे ठीक भी कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है ना। तुम लोग चाहो तो जब एग्जाम में लिखोगे तो ये जो इसकी डेफिनेशन है यहां से हटा देना, ठीक है, ये तुम लोगों के समझने के लिए है, बात समझ में आ गई। ओके, इन सच सिचुएशन अगर फर्स्ट लाइन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई और दवा इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, मे इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, समटाइम इज एज हाई एज 100-fold, 100 गुना तक कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों, वो दवा इस्तेमाल की नहीं, बीमारी तुम्हारी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ गई है कि अब जो ट्रीटमेंट चलेगा वो बहुत भारी पड़ने वाला है। मेक ट्रीटमेंट अनअफोर्डेबल, ट्रीटमेंट हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फॉर मैनी गवर्नमेंट हेल्थ, अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फॉर मैनी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब जैसे गलियों में और मोहल्लों में क्लिनिक खुले हुए छोटे मोटे, वहां पर दवाइयां पर्याप्त हैं, अगर सही से ट्रीटमेंट हो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब तो चीजें ठीक हो जाती है वहां पर, ठीक है ना, लेकिन वहां पर फिर कुछ हैवी दवाइयां नहीं होती हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री, और ये समस्या डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया अपनी कंट्री वहां ज्यादा समस्या है। इंक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अब ये क्या है, जेब पे फिर भारी पड़ता है पेशेंट के। आगे आते हैं, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एंटी माइक्रोबियल, ओवर यूज, मिस यूज एंड इरेशनल यूज बाय डॉक्टर्स, सेल्फ मेडिकेशन बाय पेशेंट, पेशेंट खुद ही खा लेते हैं, और दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री में, एक्वाकल्चर में और एग्रीकल्चर में, है ना, दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया वगैरह है वो रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्लियर है। आगे आते हैं, अब इरेशनल से बचने के लिए WHO एडवोकेट 12 की इंटरवेंशन टू प्रमोट मोर रेशनल यूज, वो 12 पॉइंट्स की वकालत करता है WHO, या कहता है कि ये करना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। क्या क्या है वो 12 पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन मेडिसिन यूज, यानी कि ऑब्वियसली बात है किसी भी कंट्री में एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो मेडिसिन के यूज को लेकर पॉलिसी बनाए और उसी हिसाब से मेडिसिन का यूज होना चाहिए। यूज ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन, क्लिनिकल गाइडलाइन का यूज होना चाहिए, जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को दवाई देता है तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही दे। डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, जो इसेंशियल मेडिसिन है इसके बारे में अभी बात करेंगे, टॉपिक आएगा अगला, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट तैयार होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रग एंड थेरेपेटिक कमिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड हॉस्पिटल, ड्रग्स एंड थेरेपेटिक कमिटी, दवाइयां और वो कैसे ठीक करेंगी उसको लेकर के कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे होनी चाहिए, किस दवाइयों में क्या क्या रहता है, कैसे वो ठीक करती है, ठीक है ना। इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग इन अंडर ग्रेजुएट करिकुला, यानी कि अब ये कह रहा है कि हमारे कोर्सेज में जो तुम लोग अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, डी फार्मा बी फार्मा, उसमें प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो उसकी नॉलेज हो अच्छे से, ठीक है।
कंटिन्यूइंग इन सर्विस मेडिकल एजुकेशन, जो लोग सर्विस में उनकी भी लगातार मेडिकल एजुकेशन, जो कोई नई नई चीजें आती रहती है एडवांस, उनकी भी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। सुपरविजन ऑडिट फीडबैक, सुपरविजन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, दवाइयां कैसे कैसे दी गई हैं, किस किस केस में दी गई हैं, कौन कौन सी दवाइयां दी गई हैं, फीडबैक, पेशेंट का फीडबैक लेना चाहिए कि कैसा क्या रहा, दवाई खाने पर कोई इफेक्ट तो नहीं आए। यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिसिन, एक पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर के जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल हो। पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन, पब्लिक को एजुकेट करना है कि भाई सेल्फ मेडिकेशन वगैरह ना करें। प्रोक्यूरमेंट लॉजिस्टिक विद इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना, प्रोक्यूरमेंट और लॉजिस्टिक मतलब दवाइयों का जो खरीद फरोख्त होती है और पूरी दवाइयां आना, स्टॉक मेंटेन करना, वो सब इसके अंदर आता है। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इन्फोर्स रेगुलेशन, सही एक ऐसा रेगुलेशन हो जो एप्रोप्रिएट हो और इन्फोर्स्ड हो, जो सख्ती से लागू हो। सफिशियंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ, गवर्नमेंट को इतना खर्चा होना चाहिए कि वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रखे और स्टाफ की अवेलेबिलिटी रखे अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है, मन से ही बना के लिख सकते हो, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स आती हैं जो जैसे क्लिनिकल गाइडलाइन हो गया, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हो गया, अभी ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्लियर है बातें नाउ, तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, यूट्यूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं यूट्यूब पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको यूट्यूब पर मिलेगा। बट क्या चीज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, वो चीज है वन मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो वन मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। वन मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें, नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा, लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा, वो तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो यहां होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस, ये तो चलो एक बार को ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चंस, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डीफॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पर क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, चार ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शन है, इसका आंसर ये है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डीफॉर्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है, 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1+2+3, इस तरह से चलता रहेगा, एक टाइम वो आएगा 1+2+3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया, और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी,
ठीक है ना, जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना, मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।